जहाँ पर देखिए यूपी विधानसभा के आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। सरकार 2024 और 25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। 30 जुलाई को यूपी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। बजट का आकार बताया जा रहा है कि 25,000 करोड़ रुपए तक का संभव है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पेश करेंगे। धर्म आस्था परिवहन के विकास पर फोकस होगा। ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर केंद्रित यूपी का ये बजट होगा। सत्र में कई अध्यादेश पटल पर रखे जाएंगे। अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर देखे रखा जाएगा। 30, 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त को विधिक कार्य होंगे। यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र अध्यादेश 2024 सदन में पेश किया जाएगा। अन्य क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024 में पेश किया जाएगा इसको भी। और यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024 सदन में पेश होगा। यूपी विद्या संशोधन अध्यादेश सदन में देखिए पेश किया जाएगा। 2025 में होने वाले कुंभ को लेकर भी धनराशि जारी कर दी जाएगी। तो बसों की खरीद के लिए धनराशि जारी कर दी जाएगी। बता दें कि बजट का आकार देखिए 25,000 करोड़ रुपए तक का संभव है। मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और धर्म आस्था परिवहन के विकास पर फोकस होगा। तो यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र अध्यादेश 2024 सदन में पेश होगा। और सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय देखिए, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा 30 जुलाई को। बिल्कुल, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 29 जुलाई मतलब आज से मानसून सत्र का आगाज होगा और 2 अगस्त तक तकरीबन 5 दिन का ये सदन चलने वाला होगा और 30 तारीख को अनुपूरक बजट तकरीबन 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट होगा। ये बजट इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि चाहे अयोध्या हो, काशी हो, जैसे तमाम जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेट्रो का जो ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार का है और खास करके सीएम योगी आदित्यनाथ का है, उसे पूरा किया जाए। विकास के अन्य एजेंडे हैं, उनको समय पर पूरा किया जा सके, उसको लेकर के ये अनुपूरक बजट लेके आया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अभी कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर विधानसभा है यहाँ पर शुरू होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस बजट में खास एक और बात रहने वाली है कि 12 से ज़्यादा विधेयक ऐसे हैं जो विधेयक पास कराए जाएंगे, चाहे महिला अपराध के मामले में जो जमानत जल्दी मिलती है उसे कड़ा कानून बनाया जाएगा, जिससे कि महिला अपराध के मामले में जल्द जमानत न मिल जाए। निजी विश्वविद्यालय को लेकर के एक कानून बनाया जा रहा है, जिससे भी निजी विश्वविद्यालय को उस कानून के तहत लाया जा सके। ऐसे कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के भी एक विधेयक लेके आया लाया जाएगा। ऐसे में तकरीबन 12 से ज़्यादा ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के नए विधेयक लेके आया जाएगा, जिससे जिसके जरिए उन विधेयकों के जरिए और नए कानून कड़े बनाए जा सके, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। तो आज विधानसभा सत्र में का आगाज होगा और जिस तरीके से सत्र का आगाज होगा उसी सत्र में विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पांडे जी नए नियुक्त होकर आए और खास करके मुख्य विपक्षी दल, वो भी पूरी तैयारी करके आएगा। जी बिल्कुल, देखिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें कहा जा रहा था कि सुचारू रूप से सदन को चलने दिया जाए। सत्र की शुरुआत हो चुकी है आज से और कहा जा रहा है कि अगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष कितना तैयार है। बिल्कुल, विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर बात करें विपक्ष के मुद्दों की तो विपक्ष के पास मुद्दे हैं कानून व्यवस्था के, विपक्ष के पास मुद्दे हैं बेरोजगारी के, विपक्ष के पास मुद्दे हैं महंगाई का, विपक्ष के पास मुद्दे हैं जाति जनगणना का मुद्दा, विपक्ष के पास मुद्दे हैं नौकरियों में आरक्षण की चोरी का, विपक्ष के पास मुद्दे हैं किसान का मुद्दा हो, सिंचाई का मुद्दा है, बिजली की कटौती है, बिजली के उपकरण लगातार नहीं मिल पा रहे हैं लोगों के, नए ट्यूबवेल जो उपकरण की वजह से रुके हुए हैं, लगातार सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पा रही है, गन्ना का भुगतान की बात करें तो वो भी अभी आधार में लटका हुआ है। तो ऐसे एक दर्जन से ज्यादा मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस सदन में एक और खास बात देखने को मिलेगी नंदिनी, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ जो इनके सहयोगी दल हैं वो भी घेरते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। ऐसे में सरकार असहज होगी क्योंकि आरक्षण की चोरी के मुद्दे पर चाहे अनुप्रिया पटेल, अनुपमा दल एस की प्रमुख हों या फिर ओम प्रकाश राजभर और खास करके निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद ने भी इन तमाम मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया है सरकार को और जवाब भी मांगा है, क्योंकि इन्हीं बैकवर्ड और पिछड़ों की राजनीति अनुप्रिया पटेल,
संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर करते हैं और जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष मुख्य विपक्षी दल आरोप लगा रहा है उन्हीं मुद्दों पर अपनी सियासत बचाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर होते हुए ये भी नजर आ सकते हैं। ऐसे में असहज की स्थितियाँ होगी सरकार के पास और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन मुद्दों पर सरकार किस तरीके से साफ गोई से निकल पाती है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर लखनऊ।